चैंगी और उसके साथियों को, जो एक सर्विस स्टाफ के साथ थे, एक रेस्टिंग प्लेस पर ले जाया गया। ये एक अपार्टमेंट जैसा घर था और चारों तरफ सोल्जर्स सख्त गार्ड कर रहे थे। अपार्टमेंट का एनवायरमेंट काफी अच्छा था और सबको एक एक रूम दिया गया। वेटर ने सबको अपार्टमेंट में जरूरी चीजें कम्युनिकेशन इक्विपमेंट के थ्रू भेजी, जिसमें फूड सप्लाई और दूसरी सर्विसेज शामिल थी जिनको वो कॉन्टैक्ट कर सकते थे। जैंगी और उनके साथियों के साथ साथ म्यूटेंट ऑर्गेनाइजेशंस और दूसरे सिटीज के मेंबर्स भी अपार्टमेंट में एक के बाद एक आए। अभी भी सुबह थी और किसी ने आराम करने का प्लान नहीं बनाया, इसलिए ज़िया होंगलियन और शिंग तियान जैंगी के रूम में आए कल के मीटिंग पर डिस्कस करने के लिए। ज़िया होंगलियन का चेहरा ठीक नहीं लग रहा था। जैंगी के रूम में आते ही उन्होंने चिंतित होके कहा, मैंने देखा जब हम आए हमारे पास सबसे कम लोग हैं। दूसरी सिटीज के लोगों की गिनती हंड्रेड्स में है और मुझे महसूस होता है कि उनके पास हमसे ज्यादा लोग हैं। शिंग तियान ने ज़िया होंगलियन को देखते हुए सीरियस टोन में कहा, मैंने काफी प्राइंग आईज देखी है, उनमें से कई लोगों की नीयत खराब लगती है। जैंगी ने अपने आईब्रोज उठाए, उन्हें भी ये महसूस हुआ। आखिरकार 12 सिटीज के टीम्स में उनका नंबर सबसे छोटा था और ये खबर कि हेवनली सी सिटी ने ज़ोंबी स्टॉर्म का सामना किया था वो दूसरी सिटीज तक जरूर पहुंच गई होगी। आखिर लड़ाई इतनी फियर्स थी कि इससे दूसरी सिटीज का ध्यान खींचना लाजमी था। आजकल हेवनली सी सिटी में टैलेंट्स की कमी नहीं है और म्यूटेंट्स की गिनती तो बहुत ही कम है, इसीलिए उन्हें असल में नजरअंदाज किया जाना आसान है। शिंग तियान थोड़ा गुस्से में था, अगर पहले का समय होता क्या वो हमें ऐसे करने की हिम्मत करते। वो चार मेजर बेसिस, एक सेक्ट और जैंगी की टीम के समय को याद कर रहा था जब हेवनली सी सिटी की कॉम्बैट पावर बहुत स्ट्रॉन्ग थी। आखिरकार हेवनली सी सिटी चाइना के सबसे जनसंख्या वाले और आर्थिक रूप से समृद्ध शहरों में से एक है। इसकी महूलत नींव ही सुपर स्ट्रक्चर को तय करती है। अंतिम समय में भी हेवनली सी सिटी की ताकत बहुत सी सिटीज के मुकाबले में काफी ज्यादा है और शायद ब्लिज़र्ड सिटी के बाद दूसरे स्थल पर है। लेकिन अब 80-90% म्यूटेंट्स हेवनली सी सिटी के युआन कोंगये के हाथों मर चुके हैं और जो बचे हैं उनकी ताकत वाकई में बेचारी है। कोई हैरानी नहीं कि दूसरे उन्हें नजरअंदाज करते हैं। जैंगी के चेहरे पर ज्यादा गुस्सा नहीं था, उन्होंने बस हल्का सा कहा, ये ब्लिज़र्ड सिटी है, चाहे उन्हें हमारे बारे में क्या ही ख्याल हो, वो हम पर कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर सकते जब तक हम रिवर्साउ डोमेन की इरादों को समझते नहीं। यहाँ बिना अनुमति के कोई कदम नहीं उठा सकता, नहीं तो अगर आप रिवर्साउ डोमेन के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। बाकी 11 सिटीज तो बस छोटी मछलियां हैं और जैंगी इन्हें बिल्कुल सीरियसली नहीं लेता। अपनी वर्तमान ताकत के साथ वो रिवर्साउ डोमेन में डेफिनेटली फर्स्ट क्लास लेवल पर है। अगर कोई सच में अंधा होके उन्हें प्रोवोक करने आए तो वो दूसरे पक्ष को उसकी स्टूपिड डिसीजन पर पछतावा करने पर मजबूर कर देंगे। रिवर्साउ डोमेन ही ऐसा है जिसे संभालना पड़ेगा। ये नहीं है कि रिवर्साउ डोमेन उनके लिए कोई बुरा ख्याल रखता है, पर बस ये है कि हेवन की ताकत अनुमान से परे है। जब ज़िया होंगलियन और दूसरों ने जैंगी की बातें सुनी तो उनके चेहरों पर नफरत थोड़ी कम हुई, लेकिन जैंगी ने उन्हें देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, आपका मतलब है कि वो खुद हम पर हमला करने आएंगे। ज़िया होंगलियन ने चिंतित होके कहा, मुझे डर है कि हम तो सब्र करेंगे लेकिन वो अग्रेसिव होंगे। आखिर लोग बाघ को नुकसान नहीं पहुंचाते, पर बाघ को इंसान को नुकसान पहुंचाने की नीयत होती है। ज़िया होंगलियन ने हाथ को गले में लपेटकर सीरियस टोन में कहा, आखिर हेवनली सी सिटी की इकोनॉमी प्रॉस्परस है और यहाँ सामग्री भी काफी है, लेकिन अब सिर्फ कुछ ही
हम फोर्सेस इसकी रक्षा कर रहे हैं और यहाँ जीने वाले इंसानों की गिनती 10,000 से भी कम हो गई है। ये तो निश्चित है कि दूसरे उन्हें याद नहीं करेंगे। जैंगी ने अपनी आंखें छोटी की और उनकी आंखों में एक चमक सी आई। उन्होंने जिया होंगलियान द्वारा उठाए गए समस्या को ध्यान से समझा। मैंने तुमसे कहा था कि अब इस मुद्दे पर मत सोचो, पहले वर्तमान समस्या का समाधान करो और कल की मीटिंग पर ध्यान दो, हम दूसरी बातें वापस आकर करेंगे। जब जैंगी ने ऐसा कहा तब सब ने उनकी बात मानी, क्योंकि उन्हें पता था कि हेवनली सी सिटी की पीक कॉम्बैट पावर अभी भी जैंगी पर निर्भर है। अगर किसी दिन दूसरे सिटीज के साथ टकराव होता है तो ये भी जैंगी पर ही डिपेंड करेगा। जैंगी ने कुछ लोगों को भेजने के बाद बैली चैंकिंग से बात करने का प्लान बनाया ताकि कल के कामों की तैयारी कर सके। जैंगी ने देखा कि जोकीर और लोक्यारन बैठे हुए बेड पर उन्हें उत्सुकता से देख रहे थे। हालांकि दोनों के पास अपने अपने रूम्स थे, शायद ब्लिजर्ड सिटी की शक्ति से डर कर वो जैंगी के रूम में आकर सुरक्षा का एहसास कर रहे थे। जब जैंगी ने बैली चैंकिंग को बुलाया तो वो हैरान नहीं हुए। उन्होंने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, तुम डिस्ट्रिक्ट बी में हो और मैं डिस्ट्रिक्ट ए में, जो पास में ही है। मैं तुम्हें एक टेम्पररी इलेक्ट्रॉनिक पास भेजूंगा, सीधा आकर मुझे पासवर्ड बार पर मिलो। जैंगी ने जवाब दिया, ठीक है। जल्द ही उन्हें बैली चैंकिंग से टेम्पररी पास मिल गया। जैंगी ने कहा, तुम लोग यहाँ अकेले आराम करो, मैं एक पुराने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। जोकीर ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या वो ब्लैक रोब इन्वेस्टिगेशन टीम है? जैंगी ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ उनसे बात करनी है। उनके पुराने जान पहचान ब्लिजर्ड सिटी में सिर्फ ब्लैक रोब टीम ही है, ये कोई राज नहीं था। जैंगी जो भी कर रहा था वो बहुत महत्वपूर्ण था, इसीलिए जोकीर और लोक्यारन ने उसके साथ चलने की जरूरत नहीं समझी। जैंगी ने रूम छोड़ा और अपार्टमेंट बिल्डिंग से बाहर निकल गया। इस पल उसे एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं है। हालांकि सर्विस स्टाफ ने उन्हें अपार्टमेंट बिल्डिंग आसानी से छोड़ने से मना किया था, लेकिन जो भी यहाँ आया है वो लोकल टायरेंट नहीं है और वो सिर्फ एक सर्विस स्टाफ से डरने वाले नहीं है। कॉरिडोर में काफी लोग बातें कर रहे थे और कुछ लोग अपार्टमेंट से बाहर निकलकर ब्लिजर्ड सिटी घूमने जाने का प्लान कर रहे थे। जब जैंगी अपने फ्लोर से निकलने ही वाला था तब वेट्रेस जो उन्हें यहाँ ले आई थी परेशान चेहरे के साथ उनके सामने आई और रुकावट डाल दी। एक्सक्यूज मी सर, आप कहाँ जा रहे हैं? जैंगी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बाहर जा रहा हूँ। वो और भी परेशान हो गई, क्या मैंने नहीं कहा था प्लीज अपार्टमेंट आसानी से मत छोड़िए? अगर आपको पेट्रोलिंग सिटी डिफेंस आर्मी ने पकड़ लिया तो क्या होगा? जैंगी ने उन्हें बीच में ही रोका, जब तक मैं ब्लिजर्ड सिटी के नियमों का उल्लंघन नहीं करता सब कुछ ठीक रहेगा। आपने जो नियम दिए हैं उनमें ये नहीं लिखा कि आपको इस अपार्टमेंट से नहीं निकलना है। वेट्रेस का चेहरा थोड़ा बेचैन हुआ, लेकिन अगर आप लोगों के साथ बाहर कुछ होता है तो ऊपर वाले मुझे दोष देंगे। जैंगी ने थोड़ा सोचा और कहा, आपके पास बहुत सारे नियम है पर इन्हें मेरी आजादी को रोकने के लिए इस्तेमाल मत करो, मैं ब्लिजर्ड सिटी के नियम का पालन करूंगा। उन्होंने वेट्रेस की तरफ गुस्से से देखा और उनकी मुस्कुराहट धीरे धीरे गायब हो गई। लेकिन एक बात याद रखें, हम यहाँ मेहमान हैं, किसी के अधीन नहीं, ना ही हम कैदी की तरह हैं। ये कहकर जैंगी ने वेट्रेस की बेचैनी की तरफ देखे बिना सीधा उससे गुजर कर बाहर निकल गया। वेट्रेस को नहीं पता था कि उनके सामने कौन है, वरना वो कभी भी जैंगी को रोकने की हिम्मत नहीं करती। कुछ लोग ऐसे होते हैं, छोटी सी ताकत मिलते ही दूसरों को सबसे ज्यादा शर्मिंदा करने का शौक रखते हैं। जब जैंगी अपार्टमेंट बिल्डिंग से बाहर आया तो बाहर हल्की सी बर्फ गिर रही थी और रास्ते पर थोड़ी बहुत बर्फ थी। हर दिन कोई ना कोई रास्ता साफ करता था ताकि ट्रैफिक आसानी से क्लियर हो सके
और बड़े वॉर व्हीकल्स गुजर सके। जैंगी ने देखा कि रास्ते पर काफी फ्रेश फुटप्रिंट्स हैं और उन्हें पता था कि उन जैसे और भी लोग बाहर निकल चुके हैं। ब्लिजर्ड सिटी के गवर्नमेंट अफेयर्स ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट कमांडर का ऑफिस था। जू जंग एक कुर्सी पर बैठा था और उसके सामने तू युनले थे जो चीफ ऑपरेशन मिनिस्टर था। तू युनले सीधा खड़ा था जैसे जैवलिन, उसका चेहरा उसकी हाई कॉलर के नीचे छुपा हुआ था। जू जंग ने अभी तू युनले का रिपोर्ट सुना और उसका चेहरा थोड़ा सीरियस हो गया। आपने क्या कहा? 13 सिटीज में से सिर्फ 12 सिटीज ही आई हैं जिन्हें हमने इनवाइट किया था। लिनहाई सिटी के लोग कहाँ है? वो क्यों नहीं आए? तू युनले का डल वॉइस उसकी कोट से आया। कंडक्टर के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग जब स्पेशल ट्रेन लिनहाई सिटी स्टेशन पर रुकी थी तब प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं आया था। जू जंग का चेहरा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। उसने बिना सोचे समझे अपने बाएं हाथ की उंगलियों को दाएं हाथ पे रब किया। वो गुस्सा नहीं था पर इस बात में कुछ गलत होने का एहसास कर रहा था। लिनहाई सिटी हेवनली सी सिटी के नॉर्थ में है और ये भी एक कोस्टल सिटी है, लेकिन हेवनली सी सिटी के कंपैरिजन में इसका प्रोस्पेरिटी और साइज काफी छोटा है। रिवरसाइड डोमेन के इंफॉर्मेशन के हिसाब से लिनहाई सिटी में म्यूटेंट्स की ताकत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। वहाँ 6 पावर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डिसेंट साइज की हैं और चाहे वो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन हो या यूनाइटेड, उनमें रिवरसाइड डोमेन की इच्छा के खिलाफ जाने की ताकत दिखाई है। रिवरसाइड डोमेन का कॉल का सामना करते हुए उनमें से कोई नहीं आया। ये तो बहुत अजीब है। क्या वो पागल हैं जो रिवरसाइड डोमेन से कम्पीट करने की कोशिश कर रहे हैं? ये तो बिल्कुल अजीब है। जू जंग ने तू युनले को देखा और सीरियसली बोला, किसी को भी भेजकर इस मैटर की जांच करवाओ, उनसे संपर्क करने की कोशिश करो और देखो क्या तुम उनसे अब भी कांटेक्ट कर सकते हो। तू युनले ने तुरंत कहा, मैंने उनसे बात की है पर मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि उन्होंने हमारा मैसेज जरूर रिसीव किया है। जू जंग का चेहरा ये सुनने के बाद और भी सीरियस हो गया। उन्होंने कुछ कहा? तू युनले ने जवाब दिया, मैं किसी को भेजकर जांच करवाऊंगा, अगर उन्होंने ऑर्डर नहीं माना तो उन्हें सीधा खत्म कर दो। जू जंग ने तू युनले को देखा और धीरे से नॉड किया, जो तुम कह रहे हो वैसा ही करो। जब तू युनले ऑफिस से चला गया, जू जंग ने खिड़की की तरफ देखा और सोचा कि अगर सब कुछ ठीक रहे तो बेहतर होगा। जैंगी एरिया ए में आया। मैप पर दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ब्लिजर्ड सिटी के सारे एरियाज लेवल्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किए गए हैं। हर लिविंग एरिया को थिक हाई वॉल से अलग किया गया है जो एक नेचुरल हायरार्की बनाते हैं, लेकिन यहाँ हायरार्की का सिस्टम आपकी कंट्रीब्यूशन पर ज्यादा डिपेंड करता है। वहीं दीवार बहुत ऊंची थी। जैंगी को ये क्लियरली महसूस हुआ कि दीवार के पीछे की जिंदगी एरिया बी से काफी बेहतर थी। ये लाइट से समझा जा सकता था। एंड ऑफ द वर्ल्ड के बाद एनर्जी बहुत कीमती हो गई थी। एरिया बी में लाइट्स ब्राइट थी लेकिन वो सिर्फ जीने के लिए लाइट सोर्स थी, लेकिन एरिया ए में कलरफुल लाइट्स थी जो हाई वॉल के साथ रेनबो की तरह फैल रही थी। जैंगी गेस कर सकता था कि दीवार के पीछे की जिंदगी शायद एंड ऑफ द वर्ल्ड से पहले के डाउनटाउन एरिया जैसे थी। वहां ना सिर्फ क्वालिटी ऑफ लाइफ एंजॉय की जा रही थी बल्कि बहुत सारी स्पिरिचुअल और एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज भी थी। लेकिन एरिया ए के दरवाजे पर ज्यादा आर्म्ड गार्ड थे। जब उन्होंने जैंगी को देखा तो उन्होंने तुरंत उसे रोक दिया। कृपया अपनी आईडी दिखाइए सर, हम आपको ऐसे अंदर जाने नहीं दे सकते। जैंगी ने कम्युनिकेशन इक्विपमेंट को ऑन किया और अपना टेम्पररी पास दिखाया जो पैली जंकिंग ने उसे दिया था वेरिफिकेशन के लिए। जब गार्ड्स ने गेट पर वेरिफिकेशन किया और कंफर्म किया, उनका एटीट्यूड तुरंत बदल गया और उन्होंने जैंगी को इज्जत से अंदर बुलाया। गार्ड्स एरिया ए में रहने के लिए क्वालिफाइड नहीं थे, इसीलिए जो भी एरिया ए में जा सकता था वो सबके लिए एनवी का सब्जेक्ट बन जाता था।
जैंगी एरिया ए के गेट में घुस गया। जब वो एरिया ए में आया तो सामने का सीन अचानक साफ हो गया। बिल्डिंग्स ऊंची उठ रही थी और कलरफुल नियॉन लाइट्स हर जगह स्ट्रीट पर थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो एंड ऑफ द वर्ल्ड से वापस प्रॉस्परस सिटी में आ गया हो। हालांकि स्ट्रीट पर पेडेस्ट्रियंस कम थे क्योंकि मौसम ठंडा था, फिर भी वहां कुछ लोग थे। रास्ते के किनारे कुछ ब्राइटली लिट शॉप्स भी थी। जैंगी को याद आया कि बियान जुनवू ने पहले क्या कहा था कि ब्लिजर्ड सिटी में ऐसे स्ट्रीट्स हैं जो एंड ऑफ द वर्ल्ड से पहले के तरह प्रॉस्परस हैं। इस बार उसने सच में ये बात मान ली, लेकिन ये खूबसूरती सिर्फ कुछ लोगों के लिए है। जैंगी ने बैली चंकिंग द्वारा दिया गया मैप फॉलो किया और एक बार के दरवाजे पर आया जिसका नाम पासवर्ड था। जब वो यहाँ पहुंचा तो उसने देखा कि पासवर्ड बार अलग है। वहां बहुत सारी मॉडिफाइड स्नोमोबाइल्स पार्क थी, जो बियान जुनवू और दूसरों द्वारा चलाई जाने वाली स्नोमोबाइल जैसी थी, और यहाँ से अंदर आने वाले लोगों का ऑरा काफी फियर्स था। अगर वो डिफेंस आर्मी के सीनियर मेंबर्स नहीं है तो वो इन्वेस्टिगेशन टीम के मेंबर्स होने चाहिए। ऐसा लगता है कि ये वेटरन्स क्लब जैसा है, पर बैली चंकिंग का इस तरह के जगह पर आना बिल्कुल नॉर्मल नहीं है क्योंकि वो असली में मिलिट्री से है। जैंगी बार के दरवाजे पर आया और उसे तुरंत एक गार्ड ने रोक दिया जिसने कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहना हुआ था। एक्सक्यूज मी सर, क्या आप यहाँ के मेंबर हैं? पासवर्ड बार एक मेंबरशिप सिस्टम है और जो लोग यहाँ आ सकते हैं वो बेसिकली फैमिलियर फेसेस होते हैं। उन्होंने देखा कि जैंगी का चेहरा उनके लिए अनफेमिलियर है, इसीलिए उन्होंने उसे रोककर सवाल किया। जैंगी ने मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ी देर रुकना। ये कहने के बाद उसने बैली चंकिंग को फोन डायल किया। बैली चंकिंग ने बस ये कहा, उसे फोन देना। जैंगी ने फोन उस गार्ड को दे दिया और जब उसने देख लिया उसका एक्सप्रेशन जल्दी से रिस्पेक्टफुल हो गया। इन्वेस्टिगेशन टीम का कैप्टन होना उनके करियर का ऑलमोस्ट पिनाकल है। एक्सक्यूज मी सर, मुझे पता नहीं था कि आप वीआईपी के दोस्त हैं, कृपया मुझे माफ करें, आप अंदर जा सकते हैं। गार्ड ने जैंगी के लिए इज्जत से रास्ता बनाया। इसने जैंगी को ये समझाया कि बैली चंकिंग का ब्लिजर्ड सिटी में करंट स्टेटस सच में लो नहीं है। कोई हैरानी की बात नहीं है कि वो शुरुआत में कैप्टन बनना चाहता था। ये सच में बहुत सारे बेनिफिट्स और स्टेटस को कई लेवल तक बढ़ा देता है। जैंगी बार में घुस गया और तुरंत एक सुंदर वेट्रेस रैबिट कॉस्ट्यूम में उसका स्वागत करने आई। एक्सक्यूज मी सर, क्या आप मिस्टर जैंगी हैं? कैप्टन बैली ने मुझे आपका रास्ता दिखाने के लिए भेजा है। जैंगी ने हल्के से कहा, हाँ मैं ही हूँ। वेट्रेस ने मुस्कुराते हुए कहा, कृपया मेरे साथ आइए। बार में एंटर करते ही जैंगी ने अंदर की केओटिक एटमोस्फेयर को महसूस किया। हवा में अल्कोहल की खुशबू थी और मर्दों की लाफ्टर खास तौर पर सुनाई दे रही थी। लेकिन रेड ड्रेस में वेट्रेस ने जैंगी को एक एलिवेटर की तरफ ले गया। जैंगी की पजल्ड आंखों को देखते हुए बनी कॉस्ट्यूम वाली लड़की मुस्कुराते हुए बोली, पहला फ्लोर आम कस्टमर्स के लिए है और अपर फ्लोर वीआईपी कस्टमर्स के लिए है। आखिर उन बड़े लोगों को जो स्टेटस और पोजीशन रखते हैं उन्हें आम लोगों की तरह नॉइजी जगह पर नहीं पीना चाहिए, है ना? जैंगी ने मुस्कुराते हुए कहा। हायरार्की सच में स्ट्रिक्ट है। बनी कॉस्ट्यूम वाली लड़की ने अपना मुंह ढककर छोटी सी हंसी दी। ऑफ कोर्स, चाहे कभी भी हो, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एक इनएविटेबल इवेंट है। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। अपने अनेक लोगों को देखने के अनुभव से उसने आसानी से समझा कि जैंगी आम नहीं है। हालांकि जैंगी का नोबल जैसा डिम्यूनर नहीं था, लेकिन उसकी शांत भावना बिल्कुल डिस्गाइज नहीं लग रही थी। मुझे लगता है वो एक एक्सपीरियंस्ड आदमी है। वेट्रेस के रूप में वो किसी भी मौके को बड़े लोगों को इम्प्रेस करने का नहीं छोड़ती थी।
मुझे सिर्फ ये उम्मीद है कि एक दिन मैं भी इस लैडर पर चढ़ सकूं और एरिया ए में रहने वाले लोगों में से एक बन सकूं। आप तो अनफेमिलियर लगते हैं, आप शायद अभी अभी बाहर से यहाँ आए हैं, है ना? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। जैंगी की मुस्कुराहट थोड़ी सी खिंच गई, लेकिन उसने सिर्फ हल्का सा मुस्कुराते हुए जवाब नहीं दिया। उसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में जांचने पर उसने सोचा, क्या वो सच में उसे एक नोवॉइस समझती है? जैंगी हमेशा अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल रखता है और इसे आसानी से किसी को नहीं बताता। जब वेट्रेस ने देखा कि जैंगी ने उसे इग्नोर किया तो उसकी मुस्कुराहट और भी गहरी हो गई, लेकिन इसकी आंखों में एक छोटी सी नाराजगी छुप गई। जल्द ही एलिवेटर 13 फ्लोर पर रुक गया। वेट्रेस ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाया और कहा, हम यहाँ हैं, आपका इंतजार करने वाले यहाँ है। जैंगी ने अपने हाथ पॉकेट्स में डाल दिए। उसने उसे पोलाइटली नॉड किया और एलिवेटर से बाहर निकल गया। उसने सोचा था कि बैली चैंकिंग का परिचित चेहरा देखेगा, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि एलिवेटर से बाहर निकलते ही वो एक बड़ी और खाली रूम में एंटर करेगा। रूम के बीच में एक कुर्सी थी जिसमें एक आदमी लंबी सिल्वर वालों के साथ हैंडसम और अजीब अपीयरेंस में बैठा था। उसके हाथ में एक ग्लास रेड वाइन था। वो खूबसूरत कुर्सी पर आराम से बैठा हुआ था, जैंगी को एक जेंटलमैन की तरह मुस्कुराते हुए देख रहा था। ये देखकर जैंगी का चेहरा पजल्ड हो गया। उसने क्लियरली यहाँ बैली चैंकिंग से मिलने की उम्मीद की थी, तो ये अजीब आदमी कहाँ से आ गया? बैली चैंकिंग कहाँ है? क्या वेट्रेस ने मुझे गलत जगह पर ले आया? उसने सोचा, मुझे यहाँ से जाना चाहिए।